दोस्तों आईपीएल 2025 के सीज़न को लेकर बीसीसीआई अब यहां पर कंफर्म्ड कर चुका है कि आईपीएल 2025 के सीज़न से पहले हमें यहां पर मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा। और दोस्तों रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेगा ऑक्शन में अब एक टीम अपने चार खिलाड़ियों को डायरेक्टली रिटेन और दो खिलाड़ियों पर ऑक्शन में जाकर आरटीएम कार्ड का यूज़ करके वापस से अपनी टीम में रीबाय कर सकती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यहां पर एक टीम अपने छः खिलाड़ियों को वापस से अपनी टीम में रिटेन कर सकती है और दोस्तों बाकी बचे यहाँ पर 20 खिलाड़ियों को टीमों को अपनी टीम से रिलीज़ करना होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको आरसीबी की टीम के 20 रिलीज खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर वॉच करना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको क्रिकेट से जुड़े तमाम अपडेट्स की वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आरसीबी की टीम के यहाँ पर 20 रिलीज खिलाड़ियों की। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको यहाँ पर आरसीबी की टीम जिन चार खिलाड़ियों को डायरेक्टली अपनी टीम में रिटेन और दो खिलाड़ियों पर आरटीएम कार्ड का यूज करेगी, मैं सबसे पहले आपको उन खिलाड़ियों के नाम बता देता हूँ। तो शुरुआती डायरेक्ट रिटेंशन में आरसीबी की टीम सबसे पहले नंबर पर विराट कोहली को और दूसरे नंबर पर कैमरन ग्रीन को, तीसरे नंबर पर मोहम्मद सिराज को और चौथे नंबर पर यश दयाल को डायरेक्टली अपनी टीम में रिटेन करेगी। और दोस्तों इन चार में से तीन तो यहाँ पर कैप्ड खिलाड़ी रहेंगे और दोस्तों अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में आरसीबी की टीम यहाँ पर यश दयाल को अपनी टीम में रिटेन करेगी और दोस्तों विल जैक्स और यहाँ पर रजत पाटीदार को आरसीबी की टीम ऑक्शन में जाकर इनके ऊपर आरटीएम कार्ड का यूज़ करके दोस्तों आरसीबी की टीम इन्हें अपनी टीम में रीबाय करेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आरसीबी की टीम अपने इन छः खिलाड़ियों को अपनी टीम में यहाँ पर रिटेन कर लेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आरसीबी की टीम के यहाँ पर रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट की। तो दोस्तों छः खिलाड़ियों को रिटेन कर लेने के बाद आरसीबी की टीम से यहाँ पर 20 खिलाड़ी रिलीज होंगे और दोस्तों इन 20 खिलाड़ियों की लिस्ट में नाम आता है फाफ डुप्लेसिस का, ग्लेन मैक्सवेल का और नाम आता है अनुज रावत का, नाम आता है दिनेश कार्तिक का, इसी के साथ नाम आता है सुयश प्रभु देसाई का और दोस्तों इसके बाद नाम आता है यहाँ पर महिपाल लोमरोर का, नाम आता है मनोज भांदगे का, नाम आता है मयंक डागर का और नाम आता है अक्षदीप का, इसके बाद नाम आता है यहाँ पर वैशाख विजय कुमार का और दोस्तों इसी के साथ नाम आता है यहाँ पर ऋषि टोपली का, नाम आता है अलजारी जोसेफ का और नाम आता है राजन कुमार का, नाम आता है यहाँ पर हिमांशु शर्मा का, इसके बाद नाम आता है टॉम करन का और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर नाम आता है लोकी फर्गूसन का, नाम आता है सौरभ चौहान का और नाम आता है स्वप्निल सिंह का, नाम आता है यहाँ पर करण शर्मा का। तो दोस्तों ये सभी खिलाड़ी अब यहाँ पर आरसीबी की टीम से कन्फर्म्ड रूप से रिलीज होंगे। आप लोग दोस्तों कमेंट में बताना कि यहाँ पर आरसीबी की टीम से आपको कौन से खिलाड़ी का रिलीज होना सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा, आप लोग दोस्तों अपनी राय यहाँ पर कमेंट में ज़रूर देना। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।